तो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपका है प्रेजेंटेशन इन लैंग्वेज फॉर्म लैंग्वेज फॉर्म का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि, किसी क्लास टीचर से कोई दूसरी टीचर पूछ लेती है आपकी क्लास का रिजल्ट क्या रहा है या आपके सब्जेक्ट का रिजल्ट क्या रहा है तो वो एक एक बच्चे के नंबर तो उन्हें नहीं बताएंगी ना वो लैंग्वेज फॉर्म में बता देती है कि मैम टोटल जो है सिक्सटी बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट किया था उसमें से जो है टेन बच्चों के जो है फर्स्ट डिवीजन है फिफ्टीन बच्चों की सेकंड डिवीजन है और बाकी बच्चों की थर्ड डिवीजन है बस सीधा वो ये बता देती है एक एक बच्चे का नहीं बताती तो इसे कहा जाता है लैंग्वेज फॉर्म कि की कन्वर्सेशन फॉर्म से उन्होंने बता दिया है सेकंड आपका आता है इन फॉर्म ऑफ टेबल टेबल बना

बिल्कुल ही ईजी है आपको क्या करना है क्लास इंटरवल है क्लास इंटरवल के बीच के मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं क्योंकि इससे सीधा जो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा इसमें क्या करेंगे आप मिड पॉइंट निकालेंगे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं या तो आप ये देख लीजिए जैसे कि आप ऐसे लिख के देख सकते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आप एक एक नंबर को काटते जाइए और जो नंबर बच जाएगा वो आपका मिड पॉइंट होगा तो इसमें तो तीन तीन छह नंबर है मिड पॉइंट इसमें सेवन पॉइंट फाइव के करीब होगा तो इसमें जो है क्योंकि इस ये भी नंबर कट, कट गया नहीं तो बीच वाला जो नंबर बचता है वो मिड पॉइंट होता है तो अब इसमें क्या है या तो आप सेवन पॉइंट फाइव ले सकते हैं क्योंकि सेवन और एट के बीच का नंबर सेवन पॉइंट फाइव होता है या फिर आप इनको इसको और इसको जो है प्लस कर सकते हैं जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है प्लस करके उसको डिवाइड कर देंगे टू से तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप नहीं तो आप बीच वाला नंबर निकाल के वो भी कर सकते हैं कि सेवन पॉइंट फाइव आ गया तो इस तरह से आपका क्लास इंटरवल निकल जाएगा जैसे इन्होंने यही निकाला हुआ है जो लोवेस्ट नंबर है और जो हाईएस्ट नंबर है डिवाइडेड बाई टू वो इसका आपका इंटरवल निकल गया तो सारे इसी तरह से मिड पॉइंट आपने निकाल दिया मिड पॉइंट निकालने के बाद आप क्या करेंगे आप एक्सिस पे क्लास इंटरवल ले लेंगे ले, आप फ्रीक्वेंसीज यहां पर ले लेंगे जो फ्रीक्वेंसीज फ्रीकवेंसी पहले ही गिवन है तो वो फ्रीक्वेंसीज आप यहां पर ले लेंगे ले, नहीं तो आपको खुद भी बनाना पड़े जैसे सिक्सटीन मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि लोवेस्ट से शुरू करके फिर एक पीक पॉइंट आया है इसमें फिर उसके बाद दोबारा लोवेस्ट तक ही चला गया है इस तरह से ग्राफ बनाया तो बहुत ही इजी है ये जैसे यहाँ पे 7.5 आया है कि जीरो पे जीरो फ्रिक्वेंसी पे जो है 7.5 है वन फ्रिक्वेंसी पे 12.5 है वन फ्रिक्वेंसी है उस पर कहां आ रहा है 12.5 पे आ रहा है यहाँ पे और यहां पे क्या है 7.5 पॉइंट फाइव प्यारा तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल इजीली आप लाइन ज्वाइन करके उसे बना सकते हैं इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ये पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है आप खुद बना के लिख सकते हैं इजीली तो ये सब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको सारे पढ़ने की जरूरत है आप कोई भी एक एग्जाम्पल बुक में दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्मॉल नंबर बना लीजिएगा जिनके मिड पॉइंट आपको ईजी हो थोड़े से बनाने तो आप उससे ईजिली बना सकते हैं देन है हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पोलिगन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है वहां पर जो है वो ग्राफ फॉर्म में बना रहे हैं हम लाइन फॉर्म में यहां पर सिर्फ वो रेक्टेंगल फॉर्म में बन जाएगा जो रेक्टेंगल फॉर्म है जैसे कि आपकी रेक्टेंगल फॉर्म है तो आपके रेक्टेंगल फॉर्म में बहुत ईजी होगा बल्कि आपको इसमें मिड पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके जो भी यहां पर लिखे होते हैं लास्ट वो इंक्लूड नहीं होते हैं कभी भी क्यों आपके जैसे लिखा हुआ है टेन टू ट्वेंटी जो है मान लीजिए टेन टू ट्वेंटी के बच्चों के जो है सेकंड ग्रेड आया है तो इसका मतलब ट्वेंटी वाला जो बच्चा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा ट्वेंटी वाला बच्चा अगली में इंक्लूड होगा तो ये बात आप ध्यान रखिए जहां पर ट्वेंटी टू थर्टी लिख रखा है तो वहां पर ट्वेंटी इंक्लूड है लेकिन थर्टी इंक्लूड नहीं है वहां पर जो है ट्वेंटी तक इंक्लूड है इसलिए इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव बना रखा है ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो इस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ही रहेगी हमेशा यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कोर्स मिड पॉइंट जो भी चीजें आएंगी वो यहां पर आएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा कि फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां तक है जीरो टू नाइन तक है तो यहाँ पर जीरो टू नाइन तक फर्स्ट फ्रिक्वेंसी बनगी सेकेंड फ्रिक्वेंसी कहां है जीरो टू ट्वेंटी तक है तो ये और भी इजी है इसे कहा जाता है हिस्टोग्राम जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में बनता है तो आप पेज देखिए मत डरिएगा कि पेज तो मैम इसके पहले ही दस पेज है हम कैसे लर्न करेंगे ऐसा कुछ नहीं है मैं इजी वे में आपको बता रही हूं आप बहुत प्यार से इसे करके जा सकते हैं देन है क्यूमेलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए आपकी क्लास में पांच से दस में जो है वो कितने बच्चे हैं एक बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो है पांच से दस के बीच में आए हैं तो आप अगर ये कहेंगे कि पंद्रह से नीचे कितने बच्चों के नंबर आए हैं तो ऑफकोर्स है ना पंद्रह से नीचे दो बच्चों के तो नंबर हैं लेकिन जो नीचे वाला है पांच से दस वो भी तो पंद्रह के नीचे ही है ना चाहे उनके पांच नंबर आए हैं चाहे छह नंबर आए हैं तो आप समझ पा रहे हैं अब जैसे हम पूछेंगे फिफ्टीन से ट्वेंटी के बीच में कितने बच्चे हैं तीन बच्चे हैं लेकिन कोई आपसे पूछे कि बीस से नीचे कितने बच्चों के नंबर आए हैं तो बीस से नीचे तो छह बच्चों के नंबर आए हैं तो ना इन दो के भी बीस से नीचे इनका भी बीस से नीचे तो बस हमें क्या करना है इन सबको प्लस करते हुए चले जाना है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी जैसे यहाँ पे वन देन आपके फिफ्टीन से नीचे कितने बच्चों के नंबर है थ्री

देन आ जाता है आपका पाई डायग्राम पाई डायग्राम सबसे इजी है पाई डायग्राम उसे कहा जाता है जो कि आपका सर्कल फॉर्म में होता है कि भाई आप सर्कल में उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम स्कोर जो है आपको सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं किसी ग्राफ में नहीं करने हैं अब सर्कल क्या है पूरा थ्री सिक्सटी डिग्री पे बना हुआ है आप सबको पता है क्योंकि वन एटी डिग्री क्या होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जब आपका पूरा सर्कल बन जाएगा तो इसका मतलब थ्री सिक्सटी डिग्री पे घूम के बना हुआ है तो अब इसमें क्या है इसमें फॉर्मुला क्या है वन परसेंट इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी अपोन में हंड्रेड वो क्या निकलेगी आपकी वन परसेंट इज इक्वल टू है उसके तो इसमें क्या है फर्स्ट डिवीजन में कितने परसेंट बचे हैं ट्वेंटी परसेंट बच्चे हैं है? तो फॉर्मूला यहां पर यही है इसमें इंटू ट्वेंटी I mean, हो जाएगा तो आपका आया सेवेंटी टू तो ये सेवेंटी टू बन गया आपका डी से आप बना सकते हैं देन इसमें है कि सेकंड डिवीजन वाले बच्चे जो है फिफ्टी परसेंट क्लास जो है सेकंड डिवीजन में रही है तो फिफ्टी परसेंट मतलब फिफ्टी करेंगे तो वन एटी आ गया वन एटी कितना होता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो आपके जहां पे सेवेंटी टू डिग्री बना है उससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप खींच देंगे तो ये आ गया आपकी सेकंड डिवीजन देन जो रेस्ट बच गई है आपकी वो थर्ड डिवीजन है आप कैलकुलेट करके देखिए यहां पर वन नहीं आएगा वन आएगा जब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे थर्टी सिक्स को थ्री से तो वन जीरो एट आएगा आपका तो ये जो है ये आपका वन जीरो एट बच गया ये आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है बट आप फॉर्मेलिटी के तौर पे करके आ सकते हैं लेकिन आप इस तरह से फिगर बनाएंगे फिगर बनाने के बाद अगर ये फोर मार्क्स में अकेला आता है तो इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिएगा कि फिगर जो है मैंने इस तरह से बनाई है इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन है उसको आप लाइन लाइन मार्क्स कराएंगे डॉट डॉट मार्क्स कराएंगे सेकंड डिवीजन को और थर्ड डिवीजन को या तो पूरा भर के आ जाएंगे पेंसिल से या फिर उसमें स्टार बना सकते हैं तो वो थर्ड डिवीजन होगी तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं तो ये थोड़ा अच्छा लगता है देन लास्ट आ गया आपका बार डायग्राम बार डायग्राम क्या होता है बार डायग्राम का मतलब है कि जब आपकी प्रॉपर जैसे कि इतने सन में इतने ईयर में जो है इतने बच्चों ने पास आउट किया इतने सन में इतने बच्चों ने पास आउट किया तो मतलब प्रॉपर ईयर्स का बनाया जा रहा है तो यहां पर जो है वो आपको वन टू थ्री नहीं लिखना है थाउजेंड टू थाउजेंड क्योंकि इनका जो डेटा है वो देखिए इस तरह से है इन द इंस्टीट्यूट देर आर फोर थाउजेंड स्टूडेंट्स इन 1970 1970 सेवेंटी में फोर थाउजेंड थे फाइव थाउजेंड हो गए एटी में एट थाउजेंड हो गए नाइनटी में तो इस तरह से ये बनेगा ये होता हिस्टोग्राम की तरह ही है बस इसमें डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है ये देखिए थाउजेंड थाउजेंड का है तो ये आपका कहलाता है बार डायग्राम और इनमें आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखनी पड़े तो आप यही लिख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन के काम आता है बहुत ही इजी होता है कंपैरिजन करना और बहुत ही इजी होता है किसी को ये समझाना इंटरप्रेट करना तो इसमें इन दोनों में आप ये एडवांटेज लिख के आ सकते हैं डिसएडवांटेजेस के लिए लिख सकते हैं कि भाई इसमें जो है क्लियर कंपेरिजन आपको दिखाई नहीं देता है इसमें जो है लार्ज क्वांटिटी जब डेटा की हो जाती है तो वो इतनी आसानी से आप विजिबली उसको नहीं कर सकते रिप्रेजेंट बार डायग्राम से या फिर पाई डायग्राम से तो ये आप इसमें डिसएडवांटेज लिख के आ सकते हैं तो ये आपका ईजी हो गया नेक्स्ट आपका है